हेलो दोस्तों, देर न सवेर फिर हम आपको लेकर चलते हैं राजदरी। जी हाँ, राजदरी। आप लोगों ने सही सुना, आप लोग सोचते होंगे कि इसके ऊपर भी दो तीन वीडियो बन चुके हैं, लेकिन मैंने हर वीडियो बाहर बाहर का बनाया है। जो झरना गिर जाता वाटरफॉल का, उसका बनाया है, इसका नहीं बनाया है। तो मैं सोचा इसका भी वीडियो बना लूँ। और ये देखिए बहुत प्यारा है, ये भी घूमने की बहुत बेहतरीन जगह है। आप लोग यहाँ आएंगे तो आपको सुकून मिलेगा। और ये पहाड़ियाँ आप लोग देख रहे हैं, इस पे से चढ़ेंगे जब आप, तो संभल कर चढ़ना इस पे। और यहाँ पे काफ़ी मज़ा आता है। और देख सकते हैं पूरा नीचे कितनी गंदगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा गंदगी बहुत ज़्यादा मुझे लगी है। और बाकी मैं चढ़ रहा हूँ, देखिए धीरे धीरे जा रहा हूँ, और मेरे आगे एक लड़का है वो भी जा रहा है धीरे धीरे। और इस पे देखिए लोग, इस पे लिखा भी है उधर कि इस पे थोड़ा सा आराम से चलना, संभल कर चलना, क्योंकि इस पे पैर जो है बहुत ज़्यादा फिसलता है, लोग गिर जाते हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा सा आराम से चलना। और ये राजदरी देवदरी का जो है, ये राजदरी है, यहाँ पे जाली लगा दिया है ताकि यहाँ पे लोग आएँ और घूमें और फ़ोटो खींचे, और कोई नहाए नहीं उधर। इधर थोड़ा सा क्योंकि बहान बरसात के मौसम में थोड़ा सा तेज़ हो जाता है, बाकी जो है इस और सीजन में तो कम रहता है, लेकिन बरसात के मौसम में बहान तेज़ हो जाता है, बहुत तेज़ पानी बहता है। तो इसीलिए जाली लगाए हैं ताकि कोई अंदर नहाए ना, और कोई नहाएगा तो डूब जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो और मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पे जो है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए, फैमिली के साथ आते हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप घर से गाड़ी कर कर आना, क्योंकि यहाँ सवारी गाड़ी नहीं चलती है। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे खाना पानी लेकर आना, सब यहाँ पे खाना बनाना भी होता, क्योंकि यहाँ पे दुकान उकान नहीं मिल देगी आपको। अगर दुकान एक दूट मिल भी जाएगी अंदर, तो सामान बहुत ज़्यादा महंगा देते हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप जो है अगर आना तो यहाँ पे घर से राशन पानी लेकर आना, और यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक घूमना और चले जाना, क्योंकि यहाँ रुकने का कोई व्यवस्था नहीं है। शाम के टाइम लोग चले जाते हैं। और यहाँ पे देखिए लोग बैठे हैं, कैसे नहा रहे हैं, देखिए पांव नीचे पानी में डाले हुए हैं, और काफ़ी मज़ा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ठंडा पानी है, बेहतरीन लग रहा है। और यहाँ पे जाली जो लगा है, इस पे आप देखेंगे नज़ारा कितना बेहतरीन देखो लग रहा है। यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, और ये पानी का रफ्तार बहुत तेज़ है, तो इसीलिए लोग आनंद ले रहे हैं पानी, कोई इसमें नहा नहीं रहा है। और मैं आपको उधर भी ले चलता हूँ, देखिए और ये देखिए पानी में लोग बैठे हुए हैं। और ये पहाड़ी मुझे बहुत ख़तरनाक लगी, क्योंकि इस पे मैं कई बार फिसल चुका हूँ, लेकिन बच या गिरा नहीं। और ये देखिए पूरा जो है जंगल है, पूरा जंगली टाइप है, और यहाँ भी आप घूम सकते हैं, ये बाहर का हिस्सा है। और देखिए यहाँ पे जो है झरना टाइप पानी गिर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप आएँगे तो वाकई बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत सुकून यहाँ पर मिलता है, और इतना शांति रहती है, चिड़िया चहक चहक आवाज़ आती है, बहुत बेहतरीन लगता है। और देखिए ये इस पे भी लोग बैठ कर नहाते हैं, जो सामने दिख रहा है आपको, और यहाँ भी लोग आते हैं और इंजॉय करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको यहाँ आना है तो आप बरसात के मौसम में ही आना, क्योंकि बरसात के मौसम में यहाँ नहाने का मज़ा ही कुछ और है, बाकी मौसम में आपको मज़ा नहीं मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर नहाना है तो आप लोअर या चड्डा लेकर आना, क्योंकि जींस पहन कर नहाएंगे तो आपको नहाने नहीं बनेगा, तो इसलिए लोअर या चड्डा पहन कर आना।